दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि जो मम्मियां होती हैं अपने छोटे बच्चे का कितना ख्याल रखती है। बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर माँ का मन बेचैन हो जाता है। इनकी हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर इनको थोड़ी भी तकलीफ होती है तो माँ एकदम बेचैन सी हो जाती है, परेशान हो जाती है। साथ ही जब घर में छोटे बच्चे हों तब हम सब और स्पेशली जो मम्मीज होती हैं वो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को लेकर बहुत जागरूक होती हैं। वो ध्यान रखती हैं कि इन चीजों के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई बुरा असर ना हो। फिर भी दोस्तों, अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे बच्चों पर बहुत ही खतरनाक असर हो जाता है। कुछ ऐसी भी जरूरत का सामान होता है जिसके इस्तेमाल से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके बारे में दोस्तों हम और आप तो सोच भी नहीं सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक माँ की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने घर में सुगंधित मोमबत्ती इस्तेमाल करती थी। उसका बुरा असर उसके बच्चे पर क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में या आसपास के रिश्तेदारों में कोई छोटी बच्ची या बच्चा हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी अलर्ट हो सकें, जिससे आपका बच्चा सेफ रहे। दोस्तों, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, बच्चों में होने वाले बदलाव पर वो ध्यान दिया करती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने बच्चे की नाक में छोटे छोटे ब्लैक होल देखे। इसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जब वो डॉक्टर के पास गई इस बच्चे को लेके, तो डॉक्टर ने बच्चे की जांच पड़ताल कर ऐसी बात बताई जिसे सुनकर माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ये बात सुनके दोस्तों आप भी परेशान हो जाएंगे। आखिर में डॉक्टर ने ऐसी क्या बात बताई, ये जानने से पहले आपको उस माँ और बच्चे के बारे में हम थोड़ी सी बातें बताते हैं। ये घटना दोस्तों अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट के रैमसे में रहने वाली मैगन के साथ हुई थी। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई रैमसे हाई स्कूल और मिडलैंड हाई स्कूल से की थी। मैगन पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी किया करती थी। वो हमेशा अपने आप को अपडेट रखती थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही केयरिंग भी थी। अपनी फैमिली के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। जब उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई तो उन्होंने आगे की एजुकेशन के लिए मैरिस कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में दोस्तों मार्केटिंग में स्नातक भी किया। इसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात जेफ से हुई। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आ गए। उन्हें एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उन्होंने 2013 में सगाई कर ली। दो साल तक डेटिंग करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इन दो सालों में दोस्तों वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। फिर वो 2015 में शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के बाद मैगन और जेफ ने बच्चे के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। शादी के एक साल तक कुछ भी नहीं हुआ तो वो लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दोस्तों दोनों की जांच की और जांच में सब कुछ नॉर्मल था। तब डॉक्टर ने उन दोनों को बताया कि आप दोनों पूरी तरह से हेल्दी हैं, शायद अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो बच्चा निश्चित रूप से होगा। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बच्चे ना होने पर मैगन बहुत टेंशन में थी। अब वो दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गए। डॉक्टर ने सही बोला था दोस्तों, क्योंकि शादी के दो साल बाद वो टाइम आ भी गया जब जेफ और मैगन के घर बच्चे की किलकारी गूंजी। 2017 में मैगन ने क्यूट बेबी को जन्म दिया। बेबी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से जिमी रखा। जिमी बहुत ही खूबसूरत और बहुत हेल्दी था। इस बच्चे को पाकर मैगन और जेफ बहुत ज्यादा खुश थे। खासकर मैगन के मन की तो मुराद ही पूरी हो गई। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। उनका एक खुशहाल परिवार था। मैगन के लिए जीवन सही रास्ते पर था। उनका न केवल एक खुशहाल परिवार था बल्कि उनका करियर भी आगे बढ़ रहा था। न्यूयॉर्क की उस कंपनी में दोस्तों क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया, जिसके लिए उन्होंने काम किया था। अब मैगन को थोड़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि दोस्तों काम और परिवार के बीच तालमेल बढ़ाना बहुत मुश्किल होने लगा। वो हमेशा अपने बेटे को डे केयर सेंटर में छोड़ा करती और शाम को जब वो काम से लौटती तो उसे लेने जाती। फिर घर पर बच्चे की केयर करनी पड़ती थी। मैगन को आराम नहीं मिल पाता था, जिससे वो तनाव और डिप्रेशन में रहने लगी। तनाव से बचने के लिए मैगन के एक फ्रेंड ने उसे सुगंधित कैंडल खरीदने और उसको घर पर चलाने की सलाह दी। दोस्तों, ये बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है कि फ्रेग्रेंस वाली जो कैंडल्स होती है वो मूड, तनाव, कार्य क्षमता और समग्र मानसिक स्वास्थ्य के शारीरिक प्रभावों में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आप भी अगर दिन भर काम करके थक जाते हैं तो ये कैंडल आपकी थकान और चिंता को रिफ्रेश कर सकती है। मैगन भी दोस्तों जब अपने ऑफिस से घर लौट रही थी तो उसने फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स खरीदी, क्योंकि मैगन को आराम की बहुत जरूरत थी। घर आकर उसने दो कैंडल्स जलाई और कमरे में टेबल पर रख दी। कैंडल जलते ही पूरे घर में इसकी फ्रेग्रेंस फैल गई, जिसे मैगन और जेफ ने बहुत पसंद किया। इसके बाद दोस्तों ये दोनों और ज्यादा कैंडल खरीदने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस से दोनों बहुत ही ज्यादा खुद को फ्रेश महसूस करने लगे थे। उस रात तो वो दोनों कैंडल्स जलाकर सो गए, लेकिन दोस्तों अगली सुबह जो घटना हुई उसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। जब सुबह मैगन उठी और अपने डेली के काम करने लगी, बेटे जिमी को वो नहलाने लगी, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो परेशान हो गई। उसने देखा कि जिमी की नाक में छोटे छोटे से होल दिख रहे थे। पहले तो मैगन बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेते हुए मोबाइल की लाइट निकाली और बहुत ध्यान से जिमी की नाक चेक करी। अच्छी तरह से देखने के बाद दोस्तों उसने पाया कि नाक में काले छेद नहीं है बल्कि काले धब्बे हैं। उस समय मैगन ने ओवर रिएक्ट नहीं किया, उसने रुई निकालकर उस धब्बे को साफ किया। उस समय तो वो धब्बे साफ हो गए, लेकिन दोस्तों वो जब जिमी को स्तनपान करा रही थी तो उसने उसकी नाक में वही काले धब्बे फिर से देखे।
उसके बाद तो मैगन घबरा गई। इसलिए उसने रात को ये पता लगाने के लिए दोस्तों खोज की कि आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है, लेकिन उसे कुछ भी ठोस नहीं मिला। अब वो सोचने लगी कि आखिर पिछले 24 घंटे में उसने ऐसा क्या अलग किया जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। सौभाग्य से दोस्तों ये जो दिन था ये वीकेंड का दिन था, इसलिए मैगन के पास रिसर्च करने का समय था कि आखिर इसके पीछे का जो रीजन है वो है क्या। बेबी को सुलाने के बाद दोस्तों मैगन ने इंटरनेट पर 50 से ज्यादा आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी मैगन को नहीं मिली। थकार कर उसने अपनी बहन को फोन किया, लेकिन वो भी इसके बारे में नहीं जानती थी। उसके पति भी घर पर नहीं थे। मैगन अपने पति जेफ को फोन लगा के सारी बात बताती है। इसके बाद जेफ ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। मैगन अब सोचने लग गई कि पिछले 24 घंटे में उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो सब कुछ सोचने लग गई कि उसने क्या क्या काम किया, कौन कौन सी नई चीजें खरीदी। उसने सारा घर अच्छे से तराशा जिससे उसे कोई तो सुराग मिल जाए। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी कैंडल पर पड़ी, लेकिन उसने सोचा कि बच्चे की नाक के काले धब्बे का संबंध इस कैंडल से नहीं हो सकता। इसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने कैंडल के पैकेट को उठाया और उस पर जो निर्देश लिखे होते हैं वो उसको पढ़ने लग गए। जब उस चीज को उसने ध्यान से पढ़ा तो मैगन के एकदम होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे अक्षरों में एक चेतावनी लिखी हुई थी कि इस कैंडल को 3 घंटे से ज्यादा समय तक ना जलाएं। लेकिन दुर्भाग्य से मैगन ने इस कैंडल को सारी रात लगभग 6 घंटे से ज्यादा समय तक जलाया। इसके बाद तो मैगन बहुत ज्यादा घबरा गई। वो इंटरनेट पर वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों अब वो जानती थी कि क्या खोजना है। दोस्तों कैंडल को जलाने पर कालिक नामक खतरनाक पदार्थ उसमें से निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल खराब होती है। कैंडल के लेबल पर लिखे निर्देश को बहुत ही ध्यान से पढ़कर इसका उपयोग करना चाहिए जिससे इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। कैंडल से निकलने वाला कालिक एक गहरा काला चूर्ण जैसा होता है। रिसर्च से ये पता चला है कि इन छोटे कणों को सांस लेने से, कि इसकी जो छोटे छोटे कण हैं अगर वो सांस लेते दौरान गए तो हृदय रोग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और भी बहुत सारी सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती है। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि कालिक के कणों के संपर्क में आने से अकेले अमेरिका में सालाना लगभग 200 मौतें होती हैं। एक डेटा से ये भी पता चलता है कि कैंडल के निकलने वाले कालिक के कारण एक साल में लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ये सब बात दोस्तों जब मैगन ने पढ़ी और जाना तो वो रोने लग गए और वो सोचने लग गई कि ये कैंडल सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं बल्कि खुद और सारी फैमिली के लिए भी कितनी खतरनाक है। लेकिन उस समय मैगन को खुद से ज्यादा अपने बच्चे जिमी की फिक्र हो रही थी। उस रात मैगन पूरी तरह से सो नहीं पाई थी। रात भर मैगन सोचती रही कि क्या कैंडल एक छोटे से बच्चे को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। उसने अपने पति जेफ की भी जांच की तो उसकी नाक में भी काले काले धब्बे थे। अब वो और भी ज्यादा घबरा गई। अगली सुबह जब मैगन अपने बिस्तर से बाहर निकली तो सबसे पहले पति को जगाया और बच्चे को लेकर फौरन डॉक्टर से मिलने जा पहुंची। डॉक्टर से मिलने के बाद मैगन ने सारी बात डॉक्टर को बताई। उसके बाद डॉक्टर ने जेफ और उसके बच्चे जिमी को बहुत अच्छे से देखा, उसकी जांच करवाई और स्कैन भी किए इन दोनों के। सारी जांच हो जाने के बाद डॉक्टर ने दोनों को कुछ दवाइयां दी और बताया कि उन पर कैंडल से निकले कालिक का कोई खतरनाक प्रभाव नहीं पड़ा था। मैगन के लिए ये एक ऐसी घटना है जिसे वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाए। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।